भाजपा से खजनी विधानसभा के प्रत्याशी श्री राम चौहान ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के खजनी विधानसभा के प्रत्याशी श्री राम चौहान ने बताया कि जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसमें सरकार पूरी तरह प्रगतिशील है। सबको शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य और नौजवानों को रोजगार तथा खेल कूद के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि नौजवान आगे बढ़ सके और प्रदेश तथा राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली की आपूर्ति तथा विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा तथा जनता की जो भी जरूरत होगी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खजनी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री राम चौहान ने कहा, फिर हम लेके आ रहे हैं जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं, सुविधाएं हैं, उसमें सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। सब जनता तक ठीक प्रकार से पहुंचे, सबको शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य और नौजवानों को रोजगार, खेल कूद के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था वहाँ पर मन में है, कुछ नए कोई नौजवान जिसे आगे बढ़ सके, प्रदेश की, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके, इस प्रकार की योजनाएं। कुछ ऐसा विधानसभा ऐसा कोई काम हो जो बाकी लोग आप पूरा करेंगे? कई गांव में घूमने टहलने के बाद लगता है सड़कें बननी चाहिए थी। सरकार की मंशा भी है हर गांव सड़क से युक्त होना चाहिए, सड़कों का भी संजाल बनेगा और निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो, इस दिशा में प्रयास होगा। कायाकल्प हो रहा है विद्यालयों का, अच्छे विद्यालय भी ठीक प्रकार से नौजवानों को, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करें, शिक्षित करें, जो जरूरतें हैं उन सबों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।